boys, I'm a fool for your love. Hello students and welcome to Nove Educator. Students, I hope that you have seen this tagline, how to be fluent in present indefinite tense. What does it mean? Student, iska matlab ye hai ke main aaj aapko ye technique bataunga jisse aap iski itni practice kar pao direct English to English. Ye baat main zarur likh deta hu, English to English practice hai ye. English to English. Isme Hindi ka koi bhi role nahi hai aur bahut hi aasani se aap log samajh jaoge कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ. ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया गया है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हों आप चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. तो स्टूडेंट्स, फ्लुएंसी के लिए वीडियो है. फ्लुएंसी का रूल क्या है कि 3 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, ये आपको पता है. जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो होगा अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव. तो स्टूडेंट, उन सबको आपस में मिक्स करके जो हम बोलते हैं वो बहुत ही मेन चीज़ है. तो आइए हम उनको बोलते हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा. देखिए, सबसे पहले हम सिर्फ एक अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस लेंगे. जैसे मैं ये करता हूँ बट मैं ये नहीं करता. बट आई डोंट डू दिस. मैं ये करता हूँ बट मैं ये नहीं करता. अब आप इसकी प्रैक्टिस करो थोड़ी देर. ठीक है, I play cricket but I don't play hockey. मैं क्रिकेट खेलता हूँ लेकिन हॉकी नहीं खेलता. मैं घर जाता हूँ लेकिन स्कूल नहीं जाता. I go to home but I don't go to school. मैं डांस करता हूँ लेकिन सड़क पे डांस नहीं करता. I dance but I don't dance on the road. I hope you got it. The next one. अब हम इसके साथ एक interrogative सेंटेंस लेंगे. मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ. डू यू ऐसा करते? देखो, मैं पढ़ाता हूँ, क्या तुम पढ़ाते हो? आई टीच यू. डू यू टीच एनी वन? आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ. आई टीच, क्या तुम भी पढ़ाते हो? डू यू टीच? एक मिनट, मैं बोर्ड पर लिखता हूँ, क्या तुम लिखते हो? I write on board. I write on board. Do you also write on the board? समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते जाते हैं और स्पीकिंग को करे जाते हैं. इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारी स्पीकिंग फ्लुएंट हो जाती है. नेक्स्ट, अब मैंने इसके साथ एक इंटरोगेटिव लिया, एक निगेटिव लिया. ये बात आपको समझ में आ गया? अब ऐसे ही मुझे सारे सेंटेंसेस को मिक्स करना है. ध्यान से देखो, ही ऐसा करता है बट, वो ऐसा करता है बट मैं ऐसा नहीं करता. बट आई डोंट डू दिस. अब ध्यान से देखो, ही ऐसा करता है बट आई डोंट डू दिस. वो ऐसा करता है लेकिन मैं नहीं करता. वो गाना गाता है. ही सिंग अ सॉन्ग. सिंग नहीं आएगा, सिंग्स आएगा, ध्यान रखना. ही सिंग्स अ सॉन्ग बट आई डोंट सिंग अ सॉन्ग. बट आई डोंट सिंग अ सॉन्ग. सो इसी तरीके से आप लोग अपने पास से क्रिएट करोगे सब कुछ, और मेहनत ये आपकी होनी है, मेरी नहीं. अगर मैं मेहनत करूँगा तो इंग्लिश मेरी ठीक होगी. आपको मेहनत करनी है, आपको खुद अपने हिसाब से ये जो चार्ट है ये एडजस्ट करना है और प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंसेस रहेंगे. देखिए, और लिखता हूँ, वो ऐसा करता है बट मैं ऐसा नहीं करता. वो सोता है लेकिन मैं नहीं सोता. ही स्लीप्स बट आई डोंट स्लीप. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए आपके लिए SES आएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट. वो ऐसा करती है लेकिन वो ऐसा नहीं करता. समझ में आया? वो लड़की है, वो ऐसा करती है लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं करता. तो शी डज बट ही डज नॉट डू दिस. जैसे वो नाचती है लेकिन ये नाचता नहीं है. शी डांसेस बट ही डजंट डांस. बट ही
doesn't dance. So in this way आप लोग अपने आप को फ्लिंट करेंगे. समझ में आ रहा है? ऐसी तरीके से आप सेंटेंस बनाए जाओ, जितने मर्जी हो बनाए जाओ. जितने आप बनाओगे इंग्लिश फ्लिंट आपकी हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ. हम ऐसा करते हैं लेकिन तुम ऐसा नहीं करते. हम वी ऐसा करते हैं बट यू डोंट डू दिस. बट यू डोंट डू दिस. हम नाचते हैं लेकिन तुम नहीं नाचते. वी डांस बट यू डोंट डांस. बट यू डोंट डांस. हम सोचते हैं लेकिन तुम नहीं सोचते. वी थिंक बट यू डोंट थिंक. बट यू डोंट थिंक. सो इन दिस वे हम लोग एक स्टोरी भी क्रिएट करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे इंग्लिश में और जितना हो सकेगा अपना हार्ड वर्क देंगे. नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, अभी तक यहाँ क्या चल रहा था? यहाँ पर इंटरोगेटिव सबको मिक्स करे जाओ. जितनी तिगड़म बना सको उतनी तिगड़म बनाओ. जैसे दे छूट गया, दे मतलब वे. वो ऐसा नहीं करते. दे डोंट डू दिस. वो ऐसा नहीं करते. दे डोंट डू दिस. लेकिन मैं करता हूं. बट आई डू दिस. बट आई डू दिस. वो नाचते नहीं है, मैं नाचता हूं. लेकिन दे डोंट डांस. दे डोंट डांस. बट आई डांस. बट आई डांस. वो नहीं नाचते, मैं नाचता हूं. दे डोंट डांस. बट आई डांस. सो इन दिस वे. ओके एंड वन मोर थिंग, क्या तुम नाचते हो? भाई देख, वो नाचता है, मैं नाचता नहीं हूँ. तो ये सब चीज़ें हमें मिक्स करनी है. सेंटेंस को यहाँ रखना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ सेंटेंस फिक्स हो जाए. जैसे एक नया सेंटेंस ले लो, क्या तुम ऐसा करते हो? भाई मैं तो नहीं करता. डू यू डू दिस. बट आई डोंट डू दिस. क्या तुम भागते हो? मैं नहीं भागता. डू यू रन? आई डोंट रन. क्या तुम खाना खाते हो? मैं नहीं खाता. डू यू ईट फूड? आई डोंट ईट फूड. तो इस तरह से आप लोग मिक्स करेंगे सेंटेंसेस को और आप मुझे कोई भी 3 सेंटेंसेस मिक्स करके कमेंट करिए. अभी कमेंट कीजिए. जैसे सर लिखकर लिखना, सर आई डोंट प्ले क्रिकेट. आई डोंट प्ले क्रिकेट. बट आई प्ले हॉकी. बट आई प्ले हॉकी. सो घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह के सेंटेंस की. लिखिए कि सर वी डोंट वॉच मूवी. हम मूवी नहीं देखते. बट माई फादर वॉच मूवी. बट माई फादर वॉच नहीं आएगा. फादर अकेले हैं तो वॉचेज आएगा. वॉच मूवी. सो इस तरह से आप मुझे 3 कमेंट करिए फटाफट और 3 कमेंट से ही पता चल जाएगा आप लोगों की मेहनत किस लेवल पे है. मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत हो सके उतनी कीजिए. वीडियो लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, डिसलाइक करें अगर अच्छी नहीं लगी हो तो. कमेंट करें आप ये चीज़ें. और उसके बाद एक बात और बता दूं, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको जब भी मिलेगी. थैंक यू वेरी मच.